जमीन घोटाले मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन को 10 दिनों की पूछताछ के बाद मंगलवार को ईडी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया गया। इससे पूर्व ईडी ने दो बार छवि रंजन को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। सबसे पहले कोर्ट ने 6 मई को छवि रंजन को 6 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंपा था, फिर 12 मई को ईडी को 4 दिनों की पूछताछ के लिए रिमांड मिली थी। गौरतलब है कि सेना की जमीन एवं अन्य जमीन घोटाले मामले में छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने अब तक छवि रंजन सहित कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसके पहले जमीन घोटाले मामले में 7 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने जमीन घोटाले मामले में 13 अप्रैल को छवि रंजन के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए थे, जिसके बाद 7 लोगों को गिरफ्तारी हुई थी।